चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 330 है, वत्सल से, जो कि गुजरात सूरत से है। तो बेटा सबसे पहले आपको 330 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये रैंक मैंने जो अचीव किया वो सर आपके बदौलत ही है, क्योंकि सर जो आपने गाइडेंस दी पूरे ईयर में जितना सपोर्ट किया आपने, तो वो होता तो नहीं होता तो मतलब ये रैंक लाना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं अपनी तरफ से तो बेटा पूरी कोशिश करता हूँ कि हर तरह से बेस्ट गाइडेंस दूँ, पर बच्चे की अपनी एक मेहनत होती है जिसका कि बच्चे रिजल्ट देते हैं। अच्छा तो वसल ये बताओ, आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था और यस ड्रॉप के साथ आपका ये रैंक अचीव है, तो जब आप फाइनल ईयर में थे जब, और फिर ड्रॉप लेते समय क्या थॉट थे, आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है, मैं चाहूंगा वो बताओ, और इम्पिटस से आप किस तरह से जुड़े। सर, मैं सर थर्ड लास्ट ईयर में था, फिफ्थ सेमेस्टर मेरा खत्म हुआ था, तब मुझे निमसेट के बारे में पता चला। तो मतलब मैंने यूट्यूब पे निमसेट के बारे में सर्च किया तो सबसे पहले आपका ही वीडियो आया था, तो उससे मुझे निमसेट के बारे में पता चला कि मतलब एक एग्जाम होता है जिससे एनआईटी के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद मतलब मैंने पूरा वीडियो देखा, उसमें मैं समझा कि मतलब मैं मैथ्स वो सब कर सकता हूँ, तो मैंने धीरे धीरे सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। फिर मतलब जैसा आपका मैजिकल कैप्सूल कोर्स आया था तब मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था, बट मैं आपको यूट्यूब पे वो सारे वीडियोस फॉलो करता था, उसको वो देख के मतलब मैंने अपने खुद से सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन की। पर एक गलती हो गई तब मेरे से कि मतलब मैंने टेस्टिंग नहीं की अपने आप से, ठीक है, उसी वजह से मतलब मेरा ऑल तब मेरा ऑल इंडिया रैंक कुछ 300 और 500 समथिंग आया था। तब मुझे तब थोड़ा मैं मतलब हो गया था कि जाना तो एनआईटी में ही है, तो मैंने सोचा कि एक ईयर ड्रॉप लेता हूँ और फिर मैं खुद से फिर से प्रिपरेशन करता हूँ आपके साथ जुड़ के स्टार्टिंग से। तो मतलब मैंने आपसे जुड़ा और फिर ये इतने अच्छे रैंक आ गए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक्चुअल में फाइनल ईयर में आपने प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं की, प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हुई, इस वजह से आपका उस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया या यस उतनी सर, अच्छी रैंक नहीं आई। देन पर आपने डिसाइड किया था कि मुझे एनआईटी जाना है और अल्टीमेटली आप एनआईटी ही गए। तो वसल ये बताओ, जब बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो अक्सर वो कन्फ्यूज रहते हैं कि ड्रॉप लूँ कि नहीं, कहीं मेरा 1 साल, ये सब बहुत सारे थॉट मन में आते हैं, तो ऐसे क्या थॉट थे आपके मन में? यस सर, मेरा भी स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले मुझे आया था कि अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो होगा नहीं होगा, पर जैसे क्लासेस स्टार्ट हुए आपने जैसे पढ़ाया मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया कि हाँ मैं आराम से कर लूंगा। गुड। तो आप ये बताओ मुझे कि जब आपका पूरे साल आपने पढ़ाई की अच्छे से, इतना अच्छा रैंक अचीव किया, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप थे, क्योंकि इस बार के पेपर में कुछ बच्चे सरप्राइज हुए, क्वेश्चन नए पैटर्न के नए थे, मतलब थे तो वही जो पढ़े हुए थे, आपने हर लेवल के टेस्ट दिए थे सिंपल टफ, तो क्या पेपर को देखने के बाद थॉट आया? सर पहले तो मतलब मैं पूरा मतलब रिलैक्स ही था पेपर देने से पहले, पर जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो पहले के 7 क्वेश्चन इतने मतलब अलग ही दिखे मेरे को, जो मतलब छोड़ने वाले थे मतलब वो समझ ही नहीं क्यों, जैसे कि न्यूटन एक वेक्टर का क्वेश्चन था और न्यूटन वाला, फिर वो दूसरे क्वेश्चन, तो पहले थोड़ा मैं पैनिक कर गया कि अभी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो मतलब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लग रहे। पर आपने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग में सारे हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन वो होते हैं जो इजी होते हैं आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन पीछे होते हैं। मतलब मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, पानी पिया, फिर मैंने पेपर देना स्टार्ट किया वापस, तो क्वेश्चन बनने लग गए ओके। और फिर थोड़ा इजी लगा कि हाँ बाकी का पेपर इजी था, स्टार्टिंग में सारे हार्ड क्वेश्चन आ गए थे। हाँ मतलब ओवरऑल फिर आपने उसको मैनेज कर लिया अल्टीमेटली, यस सर, जैसे ठीक आपने है। बताया था कि बिल्कुल पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, फिर वापिस पेपर स्टार्ट करो, तो मैंने वैसे ही किया। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं? सर मैं उनको वो मैसेज देना चाहूंगा कि वो लोग पेशेंस रखे, थोड़ा मतलब रिलैक्स माइंड से दे, और जितने भी पेपर हो एक भी पेपर ना छोड़े, और एनालिसिस अच्छे से करे सारे टॉपिक्स का, जैसे कि मैथ्स का कोई टॉपिक हो गया, एलआर के टॉपिक हो गया, कंप्यूटर का, और जिस दिन जैसे पेपर खत्म हुआ वैसे ही तुरंत मतलब खाना खा के तुरंत वापस बैठ जाए। ओके। तो असल इस बार आपका स्कोर कितना था 330 रैंक पर? मेरा मार्क्स था 400, 400, 553। गुड। अच्छा अभी आपकी मम्मी है आपके पास, यस सर, तो मैं चाहूंगा उनको भी बुलाओ, उनको भी बधाई दूं मैं। यस सर, ये मम्मी यहाँ पे है। नमस्ते जी नमस्कार, नमस्ते सर, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सब आपकी वजह से है सर। जी थैंक यू। बच्चे की मेहनत, और मेरा कोशिश होता है कि जो हम अपना बेस्ट दे सके इम्पिटस गुरुकुल की तरफ से वो देने की कोशिश करता हूँ, पर अल्टीमेटली मेहनत हमेशा बच्चे की ही होती है। मेरी आपसे मिलने की मुझे अलग खुशी है।
क्योंकि मैं अक्सर वत्सल पढ़ता था, मैं आपको देखती थी। जी हाँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपको बता दूं, वो बहुत मेहनत करता था, जैसा जी जैसा आप बोलते थे वैसे ही वो सब फॉलो करता था। चलिए अच्छी बात है, अब आज हमारी वीडियो के थ्रू मुलाकात हुई, पर अभी अवार्ड सेरेमनी में मैं आपको फेस टू फेस मिलूंगा तो मुझे यस बहुत खुशी सर, होगी। ओके सर, जी थैंक यू बेटा, फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, थैंक यू और सर, आप ऐसे ही आगे बढ़े, एनआईटी में अच्छी ग्रो करें। यस सर, थैंक यू, थैंक आपको भी बहुत सारी एक बार फिर से बधाई। थैंक यू यू, सर। थैंक यू, थैंक यू।